नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ब्लड ग्रुप जो कोविड-19 से सबसे ज्यादा संक्रमित होने के कगार पर होते हैं। कोविड-19 के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई लोगों के दिमाग में इस बात की आशंका देखने को मिलती है कि अगर वो कोविड-19 की चपेट में आते हैं तो उनके लिए यह बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि समय समय पर हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर अलग अलग शोध के माध्यम से लोगों को सभी तरह की जानकारी मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अब वैज्ञानिकों के एक नए शोध में इस बात की जानकारी सामने आई है कि कोविड-19 बीमारी का सबसे ज्यादा असर आखिर किस ब्लड ग्रुप पर देखने को मिलता है, जिसके तहत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हाल ही में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया है कि ए बी और बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अन्य ब्लड ग्रुप की तुलना में कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा सबसे कम है, मगर इनमें से किसी को कोविड-19 हो भी जाए तो उसके लक्षण काफी हल्के रहते हैं। CSIR के रिपोर्ट के मुताबिक नॉनवेज खाने वाले लोगों के वेजिटेरियन लोगों के मुकाबले संक्रमित होने की संभावना भी ज्यादा होती है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से यह सर्वे देश भर के 10,000 से ज्यादा लोगों पर किया गया था। 140 डॉक्टरों के ग्रुप ने इस सर्वे से रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे के मुताबिक AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कोविड-19 से सबसे ज्यादा खतरा है, उसके बाद बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को। डॉक्टर अशोक शर्मा की माने तो सब कुछ व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है ओ ब्लड ग्रुप वालों का इम्यून सिस्टम AB और बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा अच्छा हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यह लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना छोड़ दे, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वालों का इम्यून सिस्टम कोविड-19 से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल महीने में कोविड-19 प्रभावितों के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई है। कोविड-19 की शुरुआत से पूरे 2 साल के ग्राफ पर नजर डाले तो अप्रैल महीने में नए मामलों की दैनिक संख्या 80,000 से 4 लाख तक, यानी कि 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि वर्तमान समय में 24 घंटे में जान गंवाने वालों की संख्या लगभग 10 गुना बढ़ गई है। जहां पहले 24 घंटे में 400 लोगों की जान जाती थी, वहीं अप्रैल महीने में एक दिन में 4,000 लोगों की जान जाने लगी है। कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 40 दिन में इन राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई है। कर्नाटक में अब नियमित रूप से 400 से ज्यादा जाने जा चुकी है, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जान गंवाने वालों की संख्या लगभग 300 है। इन राज्यों के अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जहां एक दिन में 100 से अधिक जान जा चुकी है। इन राज्यों में उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। हालांकि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है और भारत में रिकॉर्ड तोड़ पूरी दुनिया से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आ रहे हैं। लगभग 4 लाख से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि भी की गई है, जिसके बाद लोगों को बस अब इंतजार है तो संभावनाओं के ठीक होने का, क्योंकि हर दिन लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था भी भारत की पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।